हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि थंबनेल देखकर ही आपको क्लियरिफाई हो गया होगा, आज मैं डिस्कस करूँगी बंगाल शैली के बारे में ए टू जेड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं विथ हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, PDF तो आपको मिल जाएंगे, बट इन नोट्स को बहुत अच्छे से डेडिकेशन के साथ देखिएगा। ओके एवरीवन, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आफ्टर क्लास फीडबैक ज़रूर देना है सभी को। मेक श्योर कि आपने लास्ट वीडियोस अच्छे से देख लिए होंगे, सारे थ्योरीज को ग्रेस्प भी किया होगा। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा के बारे में सारे डिटेल पॉइंट जो भी इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्पज़ से। सो आज डिस्कस करने वाली हूँ बंगाल शैली, आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर। डेली आपको इसी टाइम पे वन आर्टिस्ट शेयर करूंगी, अच्छे से देखिएगा। इनको नोट्स भी अपने नोट्स में इंक्लूडेड कर लीजिएगा जो भी पॉइंट्स आपके लिए न्यू होंगे। बंगाल शैली पुनर्जागरण स्कूल और टैगोर स्कूल के नाम से किसको जाना जाता है? बंगाल स्कूल को जाना जाता है, इन अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जिसका सेलेक्टेड टाइम कहा जाता है 1895 से लेकर 1920 तक का। ठीक है, यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं 1905 से लेकर 15 तक। इनका बहुत बड़ा रोल था इस टाइम ड्यूरेशन में, बंगाल का पुनरुत्थान समय कहा गया, एक चरम हाईएस्ट पोजीशन। साथ के साथ ये एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे, उप प्राचार्य कब थे अगर पूछ ले एग्जामिनर, तो उप प्राचार्य आपको ये भी याद रखना है 1898 में उप प्राचार्य थे, और 1905 में ये स्थायी रूप से प्रॉपरली प्राचार्य बन जाते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। विश्व में सर्वप्रथम पुनर्जागरण इटली में शुरू हुआ था, हाई रिनेसेंस आर्ट मूवमेंट इटली में कब से कब तक चला? 1400 से लेकर 1600 तक, 14 to 16, दैट मीन्स एग्जैक्ट टाइम है। थ्री पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है इटली में, तीन पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है, अर्ली रिनेसा, हाई रिनेसा और पोस्ट रिनेसा। ठीक है, अर्ली रिनेसा का सेलेक्टेड टाइम है 1400 से लेकर 1500 तक का, हाई रिनेसा का टाइम है 1500 से लेकर 1530 तक का, और पोस्ट रिनेसा का टाइम है 1530 से लेकर 1580 तक। अब इससे आप कंक्लूजन निकालें, 14 to 16 सेंचुरी बेसी, राइट? तो आपको समझ आ गया, एक्चुअल जो रूट है वो यूरोप है। इंडिया में इसको फॉलो किया गया कब? 1895 में, कितने सालों बाद? बहुत सालों बाद। यहाँ 16, तो यहाँ ये 14 to 16 सेंचुरी था, तो यहाँ पर 18 to 19 सेंचुरी टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम पुनर्जागरण इटली में शुरुआत हुआ। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, मेक श्योर जो भी बिल्कुल टू द पॉइंट शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखेंगे। तो मैं शुरू में दो क्वेश्चन दे रही हूँ, लास्ट में भी दो क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा अगर आपको आता होगा, फिर भी नहीं भी आता होगा तो आप मुझसे पूछिएगा, डेफिनेटली से मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि हाई रिनेसा में टू पार्ट्स में आर्ट डेवलप्ड हुआ था, फ्लोरेंस और वेनिस। तब आपको बताना है लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो एंड राफेल कहाँ के कलाकार है, फ्लोरेंस के या फिर वेनिस के? दूसरे आपको बताना है जॉर्जियानो, टीशियन, कैरबेजियो एंड लोरेंजो टेलो, ये लोग कहाँ के कलाकार थे, फ्लोरेंस या फिर वेनिस? ओके, और फ्लोरेंस में कैसा काम हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा स्केचिंग्स पे फोकस किया गया, वेनिस में ज़्यादा एस्थेटिक ब्यूटी, कलर्स, एंड्रियो ब्यूटी पे फोकस किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सर्वप्रथम पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई, चाहे वह साहित्य, चित्रकला, समाज के क्षेत्र में सबसे पहला पुनर्जागरण इटली में ही स्टार्टिंग हो जाता है। इसके पहले तो शुरू नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद यह पूरी दुनिया में फ्लोरिश हो गया, फैल गया हर जगह पर, जैसा कि इसका रिवॉल्यूशन आपको इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। पुनर्जागरण का एक्चुअल अर्थ होता है जो हमारे पास चीज़ें पहले से विद्यमान हो, उनकी स्थिति अच्छी हो, लेकिन समय के साथ में कलविद हो जाएं, फिर से उन्हें एकत्रित करके उन्हीं को आधार बनाकर हम फिर से नए तरीके से कोई काम को स्टार्ट करें, कोई न्यू रिवॉल्यूशन लाएं, उनको ही कहा जाता है पुनर्जागरण। पुनर का मतलब ही होता है फिर से रिक्रिएट करना। ओके, नेक्स्ट,
इस पुनर्जागरण के प्रमुख कला केंद्र बंगाल होने के कारण इसे बंगाल शैली कहा गया, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका टैगोर परिवार का था इन्होंने निभाई। अतः टैगोर शैली के नाम से भी बंगाल स्कूल जाना जाता है। अब शुरुआत होती है प्रॉपरली बंगाल शैली। कला समीक्षक जिन्होंने बंगाल शैली को बढ़ावा दिया, जैसे आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी, ईवी हेवल, स्टेला क्रैमरिश, जयप्पा स्वामी, ओसी गांगुली, सिस्टर निवेदिता, विंसेंट स्मिथ। कला समीक्षक बंगाल शैली के आलोचक की विरोध किसने किए, तो विरोध किए थे डब्ल्यू जी आचर और वर्डवुड रस्कीन ने भी। जर्मन के थे, 1819 में जन्म हुआ इंग्लैंड में। 1895 ईस्वी में बंगाल शैली की नींव पड़ी, नींव शुरू हुई। चरम टाइम कहा जाता है 1905 से 20, हमने आपको शुरू में बता दिया था कि 1895 से लेकर 1920 तक चला, लेकिन चरम जो हाईएस्ट पोजीशन है वो 1905 से 1915, जस्ट बिकॉज 1915 पाँच क्यों, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में प्रॉपरली अवनींद्रनाथ टैगोर एज अ टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं और 1920 में इसकी एंडिंग हो जाती है, पतन हो जाता है। माध्यम कौन से मीडियम में काम किया गया, तो बेसिकली वॉश टेक्निक के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बंगाल स्कूल, दैट मीन्स वाटर कलर से जो की जाती है वॉश टेक्निक। महत्वपूर्ण स्थान रहा था प्रक्षालन विधि और धोवक विधि, जिसको धुलना कहा जाता है। वॉश जो हार्ड जो हैंडमेड पेपर से किए जाते हैं वॉश पेंटिंग, उसके बारे में भी पूछा जा रहा है। वॉश पद्धति की शुरुआत भारत में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया, जापान में धुंधला कहा जाता है, चीन में अलंकरण, इटली में कलर फील करना, रंग की प्रायोरिटी दी गई, भारत में विषय सेलेक्ट किया गया था। बहुत धुंधला प्रभाव उत्पन्न करना या फिर वॉश चित्र रिप्रेजेंट करना। अवनींद्रनाथ टैगोर इनको समन्वयवादी शैली के अंतर्गत रखा गया है, जस्ट बिकॉज इन्होंने काफ़ी सारी स्टाइल्स और टेक्निक को कैप्चर किए थे, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर की शैली भी समन्वयात्मक शैली कही जाती है। अवनींद्रनाथ टैगोर के मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या हुआ करते थे, साहित्यिक नेतृत्व में बंगाल शैली के प्राचीन इतिहास। प्रमुख विषय जो होते थे वो रिलीजियस धार्मिक। स्केचिंग विधि जो इनकी होती थी वो प्रारंभ में बंगाल शैली में बनाए थे, भारत में बंगाल शैली में काम किए हैं। बंगाल शैली पर इनको मुगल शैली का प्रभाव, इनका प्रभाव पड़ा था राजपूत शैली, पहाड़ी शैली, जापानी शैली, इसीलिए इनको समन्वयवादी शैली में रखा गया। फिर से देखिए, मुगल शैली, राजपूत शैली, पहाड़ी शैली, जापनीज, चीनी, ईरानी और ब्रिटिश। रूपम पत्रिका, रूपम पत्रिका ओसी गांगुली की है, शांति निकेतन में नंदन से प्रकाशित होती हैं। रूपम पत्रिका एक नंदन पत्रिका शांति निकेतन से प्रकाशित होती है। रूपम पत्रिका जो प्रकाशित होती है ओसी गांगुली की, ये मुंबई से प्रकाशित होती हैं। ये वाले ज़रूर याद रखें, नंदन पत्रिका। बंगाल शैली को बढ़ावा देने वाले कलाकार कहे गए हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। असित कुमार हल्दर का एक चित्र है अकबर का निर्माण, टेम्परा टेक्निक में बनाया गया था, नगर पालिका संग्रहालय इलाहाबाद में है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का पेपर देने जा रहे हैं, क्या पता इस तरह का कोई क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए। नव बंगाल शैली के जनक भी इम्पॉर्टेंट है, नंदलाल बोस कहे जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद वर्तमान में वॉश टेक्निक के लिए प्रसिद्ध हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के अनेक शिष्यों में से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बंगाल शैली के प्रचार प्रसार कौन किए हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। कोलकाता कला विद्यालय की स्थापना 1854 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किए, 1905 से 1915 तक ये प्राचार्य रहे थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य कौन कहे जाते हैं, प्रिय शिष्यों में से इंक्लूडेड है नंदलाल बसु और असित कुमार हल्दर का भी नाम ध्यान रखिएगा। 1922 में एज अ टीचर इनरोल्ड होते हैं शांति निकेतन में नंदलाल बोस। इन्हें शांति निकेतन वीरभूमि बंगाल का शिक्षा प्राप्त किया गया, कब, 1922 में। असित कुमार हल्दर लखनऊ में जाके सेटल्ड हो जाते हैं, कब, 1925 से लेकर 43-45 तक के टाइम। नंदलाल बोस 1922 शांति निकेतन, शैलेंद्रनाथ डे 1924 राजस्थान, के वेंकटप्पा मैसूर, मानिशी डे दिल्ली चले जाती है, ये सब इन्हीं के आर्टिस्ट हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के। शारदा चरण उकील, वारदा रांदन, द बोथ आर थ्री ब्रदर्स, ये तीनों भाई थे दिल्ली में, शारदा उकील बंधु वाला जो स्कूल है उससे रिलेटेड दिल्ली चले जाते हैं। समरेंद्रनाथ गुप्त लाहौर चले जाते हैं,
1875 में लाहौर में जो स्थापना हुई थी, लॉकवुड क्रिपरिंग प्रथम संस्थापक कहे जाते हैं। और भारतीय प्रथम पूछ लिया जाए तो अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट समरेंद्रनाथ गुप्त का आपको नाम ध्यान रखना है। नौघट श्रीलंका चले जाते हैं और देव प्रसाद चौधरी मद्रास 1929 में एज अ टीचर इनरोल्ड होते हैं। हकीम मोहम्मद ये भी मद्रास सेटल्ड होते हैं। अलाहाबाद में 1942 में एज अ टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं क्षितेंद्रनाथ मजुमदार। कंपनी शैली में वाटर कलर्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। ये क्वेश्चन अभी लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम यूपी टीजीटी 2021 में ही पूछा गया था, तो हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए। अब देखते हैं अवनीनाथ टैगोर की लाइफ स्टाइल, इनके बारे में। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में जोड़ासांको पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1851 कोलकाता। अवनीनाथ टैगोर के चाचा रविन्द्रनाथ टैगोर 1881 से 90 में इनसे शिक्षा लेते हैं। कोलकाता कला विद्यालय से कला शिक्षण इन्होंने कंप्लीट किया। ईवी हैवेल ने अवनीनाथ टैगोर को 1898 में उप प्राचार्य पद पर नियुक्त किया। ये टाइम तो मैंने आपको शुरू में ही रिकग्नाइज कराया था इंपॉर्टेंट बोल के, तो इनको ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें शुरू में एक्सप्लेन करो फिर से आप देख रहे होते हैं तो आपके टाइम मतलब माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। इनके बाद 1905 से 1915 तक बंगाल स्कूल में कोलकाता कला विद्यालय में प्राचार्य पद पर नियुक्त हो जाते हैं। अवनीनाथ टैगोर के जीवन काल में ही बंगाल शैली का आरंभ, विकास, चरम एवं पतन हो गया। गिलहार्डी इटली से पेस्टल कलर्स की एजुकेशन्स लेते हैं। अवनीनाथ टैगोर ने इनसे एजुकेशन लिया। गिलहार्डी कहाँ से बिलोंग करते हैं? इटली के थे। पेस्टल कलर्स की शिक्षा अवनीनाथ टैगोर ने इनसे ली थी। पेस्टल रंग से तैल रंग के आभा उत्पन्न करने की टेक्निक इन्होंने सीखी थी गिलहार्डी से अवनीनाथ टैगोर ने। चार्ल्स पामर से अवनीनाथ टैगोर ने वेस्टर्न स्टाइल में स्केचिंग्स भी सीखे थे और वाटर कलर्स में भी वाटर कलर टेक्निक का भी एजुकेशन लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल था वाटर कलर में ताइकोन और हिसंदा, जो 1902 में इंडिया आए हुए जापानीज आर्टिस्ट। वाटर कलर्स वॉश टेक्निक इनसे एजुकेशन लेने के बाद प्रॉपर तरीके से बंगाल स्कूल में इवेल्युएट करते हैं। इनके पिता हैं गुणेंद्रनाथ, दादा का नेम था गिरेंद्रनाथ, चाचा का नेम था रविंद्रनाथ, पुत्री थी सोवा, बहन सुनैना देवी। सुनैना देवी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि भारत की प्रथम महिला चित्रकार कही जाती हैं। स्टेला क्रैमरिच ने इन्हें भारत की प्रथम महिला चित्रकार कहा। प्रथम शिष्य है रानी चंद्रा, मुकुल चंद्र डे की बहन है रानी चंद्रा, मुकुल चंद्र डे जिन्होंने भारत में एचिंग टेक्निक का इन्वेंशन किया। अवनीनाथ टैगोर ने स्वयं को उपनाम दिया था मुगल सिद्ध कलाकार। इन्होंने स्वयं को खुद को कौन सा नाम दिया? उपनाम मुगल सिद्ध कलाकार, जिस तरह से उपनाम बाबू मोशाय फेमस हैं। मिनिएचर पेंटिंग में हाशिए बनाए गए मुगल शैली में सुंदर और अलंकृत हाशिए बनाए गए थे। 1942 में पत्रिका में प्रकाशित हुआ कि अवनीनाथ टैगोर का उपनाम मुगल सिद्ध कलाकार कब 1942 में प्रमाणित रूप से बताया गया। इनकी पुस्तकें 29 लिखी थी इन्होंने अवनीनाथ टैगोर ने। संगीतकार, मूर्तिकार, शिक्षक, एक्टर के साथ कई विधाओं के पारंगत कहे जाते हैं। अवनीनाथ टैगोर की शैली कैसी थी? इनकी शैली थी समन्वयवादी शैली। चित्रण विधि वॉश टेक्निक में वाटर कलर में काम किया। पेस्टल कलर्स इन्होंने गिलहार्डी से सीखा। ओपेक टेक्निक जिसको बोलते हैं अपारदर्शी, ये टेक्निक भी अप्लाई किए। माध्यम जैसे जल रंग, तैल रंग, कटिम कुटुंब शैली कास्ट में इन्होंने उल्लू बनाए थे, उल्लू की स्कल्प्टर। नेक्स्ट लाइन, जीवन के अंतिम शैली में अवनीनाथ टैगोर ने कटिम कुटुंब शैली के कास्ट की मूर्तियां बनानी शुरू की, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एग्जिबिट है, जिसमें आपको उल्लू याद रखना है इनका। अवनीनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में 29 पुस्तकें लिखीं। 1921 में भारतीय शिल्प शाडांग इन्होंने बंगला भाषा में लिखे थे, इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था सिक्स लिम्स ऑफ शाडांग। 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का भी रोल रहता है, जिसमें इनके ब्रदर बड़े भाई जिनका जन्म 1867 में होता है गगनेंद्रनाथ टैगोर एज ए फाउंडर इनरोल्ड हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एनाटॉमी नामक पुस्तक में प्रमाण को विशेष महत्व दिया। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट भारतीय कला की पुस्तकें आनंद केटिंग कुमार स्वामी की हैं। शकुंतला इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, प्रबंधमाला और बागेश्वरी, दिस ऑल इम्पॉर्टेंट बुक।
अब आप देखते हैं इनकी क्या है पेंटिंग सीरीज। अरेबियन नाइट्स 1930 में रिप्रेजेंट किए हैं, मुगल श्रृंखला, बुद्ध चरित। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध श्रृंखला का सर्वाधिक चित्र शारदा चरण उकील ने भी बनाए थे, इनकी भी बुद्ध चरित्र और शारदा चरण उकील इनके स्टूडेंट हैं। कृष्ण चरित उमर खयाम सीरीज 1908 से 10 तक में कंप्लीट किए हैं। लैला और मजनू कवि ककंड चंडीदास, कृष्ण मंगल, मालागुडी डेज आर के नारायण की पुस्तक, रमन की भी पुस्तक हैं। कॉमन मैन कार्टून 1956 ईस्वी में आर के लक्ष्मण की हैं। कॉमन मैन राम गोपाल विजय वर्गीय ने कालिदास की सभी पुस्तकों का चित्र करने के लिए प्रसिद्ध रहे थे, ऐसा राय कृष्णदास ने कहा था ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट लाइन देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे चित्रांगदा और गीतांजलि, इसके 32 चित्र बनाए थे किसने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। मेघदूत चित्रांगदा के 32 चित्र बनाए थे ये ध्यान रखिएगा, चित्रांगदा के ये दोनों पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की। कालिदास मेघदूत ऋतु संहार और विद्यापति पाठ। कच्छ देवयानी कच्छ और देवयानी भित्ति चित्र इन्होंने बनाया, और कच्छ देवयानी आभरानी ये सब मूर्ति जो रही है वो किसकी थी, राम किंग का बैज। व्यक्ति चित्र में इन्होंने पेस्टल कलर से महात्मा गांधी बनाए, महात्मा गांधी ऑयल कलर से भी रिप्रेजेंट किए। पोर्ट्रेट ऑफ रविंद्रनाथ सी एफ एंड्रयूज, लैला और मजनू औरंगजेब आलमगीर, स्टैचू लाइब्रेरी में रखी गई है ये वाले, नूरजहाँ का पोर्ट्रेट्स भी बनाए थे। मुगल शैली की टेक्निक से अवनींद्रनाथ टैगोर बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, इनकी बारीकीपन आपको देखने को मिल जाएंगी। मुगल संबंधित पेंटिंग्स जैसे शाहजहाँ के अंतिम दिन, मुसम्मन बुर्ज, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ताजमहल का निर्माण, ताज का सपने, औरंगजेब का बुढ़ापा, ये सारी पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पुटअप की जाती हैं। कुछ अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे अभिसारिका प्रथम एवं सुंदर चित्र, भारत माता 1905 की है, वॉश टेक्निक में बनाई गई हैं। बंगमाता रविन्द्रनाथ टैगोर रविन्द्र भारती में संदर्भित, सिस्टर निवेदिता ने इसे नाम दिए थे, कौन सा, बंगमाता, भारत माता को। हाथ में किताब बलि आदि लिए हुए, कपड़े माला आदि पहने हुए, ये सारे डिस्क्रिप्शन किसके हैं, भारत माता वाली पेंटिंग्स। संध्या दीप मॉर्निंग पेस्टल कलर्स में बनाए, वेरी इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग इनकी। अरेबियन नाइट्स श्रृंखला 1930 में बनाए थे, और फैंटेसी इमेजिनेशन में अरेबियन नाइट्स। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की चीनियों के दंगों पे भी यामिनी रॉय ने पेंटिंग्स बनाए हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यामिनी रॉय से रिलेटेड। उमर खयाम 1908 से 10 में कंप्लीट किए थे। गणेश जननी, निर्वासित यक्ष, वीड़ा वादक, हेवन सॉन्ग्स, सूर्य पूजा कब बनाए थे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तुलसीदास पूजा यामिनी रॉय की है, गणेश पूजा अमृता शेगिल, ये तीनों ध्यान रखें। उमर खयाम 1908 इस टाइम ड्यूरेशन में बनाए थे, गणेश जननी, निर्वासित यक्ष, वीड़ा वादक, हेवन सॉन्ग्स, सूर्य पूजा अवनींद्रनाथ टैगोर की बहुत फेमस है, तुलसी पूजा यामिनी रॉय ने बनाए थे, गणेश पूजा अमृता शेगिल। यहाँ पे देखिए अलग अलग से आप पढ़ते तो कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए हमने तीनों को साथ में सिंबलिज्म एक साथ कंबाइंड करके नोट डाउन किया है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो और ये भूलें ना पॉइंट्स। ध्यानमग्न बुद्ध कमल पत्र पर अश्रुबिंदु, जावा की नर्तकी, जावा का पुष्प नंदलाल बोस का है। लॉफिंग कैवेलियर रॉबर्ट्स जल रंग में बनाए थे। कैलाश की कल्पना कल्कि अवतार, हिरण और कौवा, हिरण ऑनली हिरण जो है वो नंदलाल बोस की हैं। सुर सुंदरी ऑयल कलर्स में बनाए थे। शुक्लाभिसारे भारतीय शैली पर बनाया गया इनका पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर का। हस्ताक्षर दस्तावेज सिग्नेचर बहुत फेमस है इनकी। यात्रा का अंत जिसको लास्ट जर्नी कहते हैं, इसमें ऊँट को रिप्रेजेंट किया गया है, वो भी ऊँट किस कंडीशन में है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे लास्ट टाइम ड्यूरेशन में गिरते हुए, देख लीजिएगा वो पेंटिंग रेड कलर के टोन में। महाप्रयाण 1941 अंतिम चित्र है, लास्ट पेंटिंग इनकी। स्टेला क्रैम्ब्रिज ने अवनींद्रनाथ टैगोर के सब्जेक्ट मैटर में कहा था कि अवनींद्रनाथ टैगोर की कला उनके व्यक्तिगत अधिकार पर आधारित हैं। जया अप्पा स्वामी अवनींद्रनाथ टैगोर की कला
हॉसलर कल्पना एवं आकाशी रंगों में टर्नर के अकॉर्डिंग कंपेयर करके सर्वश्रेष्ठ बताएं। यू नो टर्नर कौन थे? टर्नर जो हैं वो बिलोंग करते हैं इंग्लिश रोमांटिक आर्टिस्ट यूरोप के। प्रदोष दास गुप्ता मूर्तिकार 1912 ढाका बांग्लादेश में जन्मे। विलियम ब्लैक से भी श्रेष्ठ अवनींद्रनाथ टैगोर की कल्पना श्रेष्ठ रही है, मतलब इन्होंने बहुत तारीफ की। गणेश पाइन फैंटेसी कलाकार जिन्होंने रहस्यपूर्ण चित्रों को रिप्रेजेंट किया। 1937 में ढाका बांग्लादेश में इनका भी जन्म हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर की कला से कल्पना से बहुत ज़्यादा, अवनींद्रनाथ टैगोर की इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गणेश पाइन। भारतीय प्रथम आधुनिक कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत में आधुनिक कला का नींव किसने डाला था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारत के देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं और पूछते हैं कि मैम अवनींद्रनाथ टैगोर ऑप्शन में है, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या करेक्ट होना है? तो इनको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आपका मैंने आंसर भी रख दिया है। भारत के प्रथम आधुनिक कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अब भारत में आधुनिक कला के नवीन जागृति के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार भी अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अब क्लियर हो गया, यहाँ पे सिर्फ आधुनिक कला का नींव अगर पूछ लिया जाए तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑनली आधुनिक कलाकार पूछ लिया जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट्स था, इनका कथन, देश की आत्महीनता कला को उन्होंने उच्च हाइएस्ट पोजिशन पर पहुँचाया है। इन्होंने देश के आत्महीनता से बचाया, उसे निराशा के गर्त से निकालकर सम्मान के पद पर रखें भारतीय कला को। नेक्स्ट आर्टिस्ट हैं नंदलाल बसु। नंदलाल बसु के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। मेक श्योर कि आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। 2 आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। ये बताइए इंडिया में पुनर्जागरण के कलाकार कौन कहे जाते हैं और यूरोप में कौन कहे जाते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और पुनर्जागरण कला का इंडिया का टाइम भी बताइएगा, यूरोप का टाइम भी बताइएगा, दोनों को कंबाइन करके, जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि आप लोगों ने कितने डेडिकेशंस के साथ सारे पॉइंट्स पे फोकस किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे लाइन्स थे, स्पेशली इनको अच्छे से रिविज़न कीजिए, अपने नोट्स में इंक्लूडेड ज़रूर कर लीजिएगा। इवन PDF तो मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूँगी। ओके एवरीवन, फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।